नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Apple iPad Pro 11 2021 वर्सेस Samsung Galaxy Tab S8 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो iPad Pro 11 में 9.75 इंच जबकि Galaxy Tab S8 में 9.99 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो iPad Pro 11 में 7.03 इंच जबकि Galaxy Tab S8 में 6.51 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि iPad Pro 11 से कम है। बात करें थिकनेस की तो iPad Pro 11 में 0.23 इंच जबकि Galaxy Tab S8 में 0.25 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि iPad Pro 11 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो iPad Pro 11 में 466 ग्राम्स जबकि Galaxy Tab S8 में 503 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि iPad Pro 11 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो iPad Pro 11 में IPS LCD जबकि Galaxy Tab S8 में TFT की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPad Pro 11 में 11.0 इंचेस जबकि Galaxy Tab S8 में 11 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPad Pro 11 में 1668x2388 और Galaxy Tab S8 में 1600x2560 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPad Pro 11 में 82.98% जबकि Galaxy Tab S8 में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iPad Pro 11 में 265 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy Tab S8 में 274 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की, जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPad Pro 11 में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकंड कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy Tab S8 की बात करें तो इसमें भी हमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPad Pro 11 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy Tab S8 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों टैब में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iPad Pro 11 में Apple GPU 8 Core Graphics जबकि Galaxy Tab S8 में Adreno 730 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPad Pro 11 में Apple और Galaxy Tab S8 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो iPad Pro 11 में 4 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 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 16GB की RAM मिलती है, जबकि Galaxy Tab S8 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो iPad Pro 11 में 4 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 512GB, 2048GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Galaxy Tab S8 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो iPad Pro 11 में नहीं है, जबकि Galaxy Tab S8 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPad Pro 11 में iPadOS V14 जबकि Galaxy Tab S8 में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी iPad Pro 11 में 7538 mAh जबकि Galaxy Tab S8 में 8000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो iPad Pro 11 में 2 कलर्स जबकि Galaxy Tab S8 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPad Pro 11 में 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 71,900 रुपीस, 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 78,473 रुपीस,
8 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 95,900 रुपीस, 16 GB रैम 2048 GB स्टोरेज के साथ 170,900 रुपीस में मिलता है। और बात करें Galaxy Tab S8 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 58,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Apple iPad Pro 11 2021 में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy Tab S8 की तो उसमें 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है। मेन कैमरा में Galaxy Tab S8 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Apple iPad 10.2 2021 Wi-Fi है, दूसरा Lenovo Tab P11 Pro है, तीसरा Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi है, और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Tab S7 Edge है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।